हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो यहाँ पर हो रही समाप्त, क्योंकि मैंने 3 सम करवाए, बाकी के सम आपको करने हैं। उसके बाद हम जाएंगे 2.3 के ऊपर। 2.3 के ऊपर जाने से पहले एक डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? कुछ नहीं है सर, जो हम डिवीजन करते थे वही है। जैसे कि मान लो मुझे 6 को डिवाइड करना है, किसे, किसको बच्चा, 6 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। सर ऐसा पढ़ाओगे क्या? तो अब जरा समझो, इसको ना हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, जिसको आपको डिवाइड करना है, जिससे कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डिवीजर। जो आंसर आया है उसको हम बोलते हैं कोशेंट, और जो नीचे बचा है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। डिवीजन तो कर लिया, डिवीजन आता है, जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवीजन करना है उसको डिवीजर बोलते हैं, जो आपका आंसर आता है ऊपर उसको हम कोशेंट बोलते हैं, और नीचे जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो सर आपने ये फॉर्मूला क्या लिखा? फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, डिविडेंड कौन था? जिसको आपने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, 6 को। किससे डिवाइड किया? 3 से। बीच में मैंने किया है मल्टीप्लिकेशन। कोशेंट कितना बना है? 2। रिमाइंडर कितना बना है? 0। यहां है 6, 3 × 2 = 6 प्लस 0, तो वही आंसर आ रहा है सर, LHS इज इक्वल टू RHS। तो मेरा ये फॉर्मूला सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। याद रखना, जिसका डिवीजन करना है उसको बोलोगे डिविडेंड, उसको एक तरफ रखो। अब हमारी जो ये एक्सरसाइज अब जो आएगी उसमें आपको डिविडेंड के बदले में बहुत जगह पे लिखा होगा P(x), जिसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिवीजन किया हुआ है। नहीं आता सर? अच्छा, डिविडेंड कौन है? PX, जिसको डिवाइड करना है। डिविजर्स, इसको हम बोलते हैं G(x). क्या बोलते हैं? G(x). कोशेंट को हम बोलते हैं Q(x) प्लस रिमाइंडर को हम बोलते हैं R(x). आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या तो P(x) इज इक्वल टू G(x) इनटू Q(x) प्लस R(x). ये हो गया डिविजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया? अरे सर मिटा क्यों रहे हो? अरे ये थोड़ी ना ऑफलाइन क्लास है, पॉज करता नहीं आता क्या? नॉनसेंस कह के मजाक कर रहा हूं, दिल के मत लेना। अब एक आधा क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में से करवा लेता हूं, आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक आधा मान लो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है। अगर नहीं आता है डिवीजन करना, 9th स्टैंडर्ड में आता था लेकिन आपने अगर अच्छे से नहीं किया है या ध्यान नहीं रखा है तो अब सीख लो, क्योंकि आज के बाद फिर सीखना नहीं मिलेगा, 10th में हो ना। चलो यहां पर ध्यान दो, डिवाइड किसको, इसको, बाय किससे, इससे। तो ये हो गया आपका जिसका डिवीजन करना है तो इसको आप बोलोगे डिविडेंड, क्लियर है। जिससे करना है उसको आप बोलोगे G(x), क्लियर है। चलो डिवीजन करते टाइम P(x) को हम अंदर लिखते हैं, और जिससे करना है उसको हम कहां लिखते हैं, बाहर। लिख लिया? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, करना कुछ है नहीं, बहुत इजी है। यहां का पहला टर्म उठा लो P(x) का, और G(x) का भी पहला टर्म उठा लो, पहले इन दोनों का डिवीजन कर लो। देखो मैं साइड में कर लेता हूं, ये 2x को
मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, एक्स से, ठीक है। पी ऑफ एक्स के पहले टर्म को जी ऑफ एक्स के पहले टर्म से डिवाइड कर लो। यहां एक्स कितने थे, दो, यहां एक, यहां से एक कट गया और यहां से भी एक कट गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 2x। ये जो 2x आया उसको आप कोशेंट के अंदर लिख लो, लिख लिया क्वेश्चन के अंदर, नहीं कोशेंट के अंदर। अब ये जो आंसर आया है देखना, समझ लेना एक बार समझ लेना, ये जो आंसर आया है उसको ही इससे भी मल्टीप्लाई करवाओ, उसी टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करवा लो। तो 2x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर वही आ जाएगा। देखो 2x का x से मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 2x स्क्वायर, बचा गया 2x into 2, 2 टू जा 4x। 2x को x से मल्टीप्लाई करवाया 2x स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4x। देखो अब क्या करते हो, डिवीजन करते टाइम भी सब्ट्रैक्शन ही करते हो दोनों का, तो यहां की साइन हम चेंज कर लेते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो वैसे ही कट जाएगा, कट गया। ये प्लस साइन है, अब इस साइन को हमें काउंट नहीं करना, अब हमें कौन सी साइन देखना है, ये वाली साइन देखना है, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x गया, बचा क्या, x, लार्ज नंबर की साइन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है ना। अब ऊपर से प्लस 1 को नीचे लेके आ जाओ, लेके आ गए, अब क्या करेंगे सर, अब भी ये जो पॉलिनोमियल आया है इसका ये होगा फर्स्ट टर्म, उसी को जी ऑफ एक्स के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो। ये फर्स्ट टर्म क्या है, साइन के साथ लेना है, माइनस एक्स, क्या है, माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स का भी पहला टर्म कौन है, एक्स, एक्स से एक्स मर गया, कुछ नहीं बचा तो माइनस वन, यहां पर आप कर दोगे माइनस वन इंटू एक्स, सर वन एक्स, प्लस माइनस माइनस, टू वन जा टू, प्लस माइनस माइनस। बच्चों ये 1x तो x का इधर कुछ नहीं है, तो भी क्या बोलोगे, 1x बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मैंने यहां बोला था हमें साइंस बदलनी है, तो जो माइनस हो जाएगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे यहां प्लस था तो माइनस कर दिया था, इधर भी प्लस था तो क्या कर दिया था, माइनस, तो यहां माइनस है तो क्या कर लोगे भाई, प्लस, यहां भी माइनस है तो क्या कर लोगे भाई, प्लस। अब ये वाली साइन काउंट करनी है तो प्लस 1x माइनस 1x, कट गए, बचा क्या, 1 और 2, यहां प्लस साइन है, यहां पर भी अब आपको प्लस साइन काउंट करनी है, प्लस 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 2 प्लस 1 3, लार्ज नंबर की साइन, क्लियर। आपको पूछा जाए, आपको बोल दिया जाए उसको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में भी लिख लो, तो फॉर्मूला तो पता ही है, अभी हमने किया था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। आई होप समझ में आ रहा है। पी ऑफ एक्स कौन था बच्चों, जिसको आपने डिवाइड किया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये p ऑफ x था, उसको एक तरफ रखो, इज इक्वल टू g ऑफ x क्या है आपका, x प्लस 2 है ना, इनटू q ऑफ x का, q ऑफ x मतलब क्या भाई, कोसेंट, कोसेंट क्या बना आपका, 2x माइनस 1, तो यहां लिख लो 2x माइनस, प्लस r ऑफ x मतलब क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा, 3। ये हो गया आंसर। अगर आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाएगा, इसको वेरीफाई कर लो कि भाई ये जो आपका आंसर आया है उसको डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करो, वेरीफाई, तो आपको आगे करना है, क्या करना है, इसको वैसे का वैसा रहने दो। देखो ये और ये टर्म के बीच में कौन सी साइन है, कुछ नहीं है, दो मल्टीप्लीकेशन, 2x को x से मल्टीप्लाई करवाओ। ये कब करना है, अगर एग्जाम में पूछा गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम से इसको वेरीफाई करो, आपका जो आंसर आया उसको क्या करो, वेरीफाई, तब जाके ही अब यहां से आगे स्टेप करना है, अदरवाइज यहां पर आपका आंसर खत्म। क्लियर, श्योर, 2x को x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर, x से हमने 2x को मल्टीप्लाई किया, अब x से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2x तो 4x, प्लस माइनस माइनस 2 वन जा 2, प्लस यहां से बचा, समझ में आ रहा है, 2x स्क्वायर। भाई देखो ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, लाइक टर्म है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, इसके आगे क्या है, प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 1x गया,
3x लार्ज नंबर की साइन, क्लियर। देखो ये दो नंबर है कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, लार्ज नंबर की साइन। ये आंसर और ये आंसर इक्वल है, हेंस इट इज वेरी फाइड का हमने लगा दिया दब्बा, हमने वेरीफाई सो कर लिया। फटाफट अपने नोटबुक में छाप लो क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं अपने आप ही करने दूंगा। फटाफट हेलो बच्चों, तो और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको यहां पर ही एक्सप्लेन कर देता हूं, तो हो सकता है आप अपने आप ही वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर फटाफट ध्यान यहां लगाओ और उसके बाद कॉपी नोटबुक लिखो। चलो यहां पर ध्यान दो, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है इसे थोड़ा और टफ है तो इसको पहले समझ लो। यहां पर जो पॉलिनोमियल आपको दिया है ये रहा, दिस इज योर पॉलिनोमियल, उसके अदर जीरोस फाइंड करो या तो ऑल जीरोस फाइंड करो। अब देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर जो डिग्री दी है वो कितनी है 4, पता है ना, मैंने बोला था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ऊपर डिग्री मैक्सिमम 2 होती है उसके कितने जीरो मिलते थे 2, पहले लेक्चर में पहले वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके टोटल जीरो कितने मिलेंगे 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती थी 2, यहां डिग्री कितनी है 4, तो यहां जीरो कितने मिलने हैं 4, उसमें से 2 जीरो तुमको दे दिए हैं, एक है √2 और एक है -√2। समझो हमें बोला है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करने हैं जीरोस, उसमें से तुमको 2 जीरोस दे दिए हैं, एक दिया है √2 और दूसरा जीरो दिया है -√2। कल एक लड़के की कमेंट आई कि सर ये जीरो के बारे में अभी मुझे समझ में नहीं आया। अरे बच्चा जीरो ये होता है जिसको रखने से, ये पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां पर भी एक्स है उस एक्स के बदले में मैं एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या बन जाए जीरो, पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो बन जाए। तो अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है कि जिसको रखने से पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए जीरो, तो उस नंबर को हम इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर रख दिया 1, क्या रख दिया 1, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना बन गया जीरो। तो ये जो 1 है ना बेटा 1, ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या बन जाएगा जीरो। हम बोलोगे सर ये थोड़ी ना जीरो है, अरे बच्चे ये जीरो नहीं है, लेकिन इसको पुट करने से आंसर क्या आ रहा है जीरो, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ही 2 नंबर दे दिए हैं, एक √2 दे दिया है और एक दे दिया है -√2। विश्वास नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, ये जहां जहां पर भी x है वहां पर एक बार √2 पुट करो, एक बार -√2 पुट करो, इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा जीरो। सर बोले बच्चे बोलेंगे सर √2 रखना ही थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, √2 तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर एक है √2 और एक है -√2, ये दो क्या दिए हैं जीरोस। अगर ये दो जीरो है दिमाग में याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं याद में रखना और वो कॉन्सेप्ट भी है अभी याद रख लो, अगर एक जीरो तुमको √2 दिया है तो फैक्टर बन जाएगा एक्स, ये +√2 है तो एक्स माइनस, एक फैक्टर क्या बन गया एक्स -√2। अगर जीरो दिया है प्लस में तो जब उसका फैक्टर बनाओ तो वो हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि उसके आगे कौन सी साइन लग गई माइनस। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हुआ, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर आंसर लाए थे जीरोस फाइंड करने के लिए, अगर पता होगा तो ऐसे ऐसे टर्म्स आते थे, फिर आप प्लस 3 को कहां लेके आ जाते थे इस तरफ, तो आपका आंसर क्या बन जाता था माइनस, तो यहां पर भी +2 को उठा के इस तरफ लेके आए और इसी को आप जीरोस बोलते हो अगर याद हो तो ये जीरो आया
साइन कौन सी है माइनस, तो जब वो फैक्टर फॉर्म में था तब उसमें साइन कौन सी थी? आंसर क्या आया जीरोस में? माइनस टू, तो जब वो फैक्टर फॉर्म में था तब कौन सी साइन थी? प्लस। तो अगर जीरो यहां पर रूट टू है, प्लस रूट टू, तो फैक्टर अगर आप इसका बनाओगे तो उसके आगे कौन सी साइन लगेगी? माइनस। इसका उल्टा गए, यहां हम रिवर्स आए थे, यहां हम उसका उल्टा गए, ठीक है। एक्स प्लस थ्री था तो वो जीरो मिल गया माइनस थ्री, यहां जीरो दिया है तो उससे हमने फैक्टर बना लिया। आई होप कि समझ में आया होगा। अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, इसके आगे प्लस साइन थी, यहां पर हमने क्या लगा दिया? माइनस। वैसे ही एक दूसरा फैक्टर क्या बन जाए, अगर माइनस रूट टू है तो फैक्टर क्या बनेगा रे? एक्स प्लस रूट टू, प्लस रूट टू, तो फैक्टर में साइन माइनस करो, माइनस रूट टू तो फैक्टर में साइन प्लस करो, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे अगर ये दोनों इससे जीरो है, ठीक है। इतना होने पर क्या करो, यहां पर बीच में कोई साइन नहीं होती, मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ एक्स स्क्वायर, अरे रूट टू को एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ रूट टू एक्स, माइनस रूट टू को इससे मल्टीप्लाई करवाओ माइनस रूट टू एक्स, और रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करवाओ प्लस माइनस माइनस टू। मैं इतना तो मान के चलता हूं कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन आपको आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, क्लियर है। ये प्लस रूट टू एक्स है, ये माइनस रूट टू एक्स है, ये हो गया कट, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो ये जो है ना, ये इसका फैक्टर हो गया, किसका? जो भी पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, अगर तुमको दो जीरो दे दिए हैं, दो जीरो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले जीरो पे से हमने फैक्टर्स बनाए, उस फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो हमें एक और एक फैक्टर मिल गया। ये जो मिला ना बच्चे, इसको हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स। हाँ, अगर ये जी ऑफ एक्स है और ये पी ऑफ एक्स है तो हमें पता है इसको, ये डिविडेंड है और ये डिविजर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसका डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों, ये हम कर क्यों रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको दो जीरो तो पता है, दूसरे जीरो फाइंड करने हैं, क्योंकि चार जीरो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो डिग्री है वो कितनी है? चार। अगर दो जीरो दे दिए हैं, दूसरे दो जीरो का फाइंड करने हैं। अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, क्यों आ रहा कर रहे हो? अब देखो, यहां पर जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस टू। हम कोई भी पॉलिनोमियल को नॉर्मली जो लिखते हैं ना, तो उसको वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसके डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। जरा देखो, यहां पर फोर, तो यहां पर तीन, तो यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर एक्स वाला एक भी टर्म नहीं, मतलब जीरो, फोर थ्री टू वन जीरो डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्स के ऊपर कितना दिया है? टू। लेकिन उसके बाद सीधा ऐसा टर्म आ रहा है जिसमें कोई एक्स है ही नहीं, मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में प्रॉपर नहीं आ रहा। देखो, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना है थोड़ा देखो कंफ्यूज हो जाओगे ये से करोगे तो, अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो, और थोड़ा सा बहुत बार अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो ऐसे डायरेक्टली मत करना, उसके बदले में क्या कर लेना पता है ऐसे कर लेना। था क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू? तो हमने एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, माइनस टू भी लिखा है, बीच में क्या ऐड कर लिया? जीरो एक्स। अब जीरो एक्स का मतलब जीरो ही होता है, जीरो एक्स का मतलब जीरो ही होता है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, देखो x के ऊपर 2, यहां x के ऊपर 1, फिर 0, तो 2 1 0 डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया, जैसे 4 3 2 1 0 2 1 0, इसको मैंने डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने के लिए बीच में 0x डाल दिया है। एक्चुअल में 0x की अपनी कोई वैल्यू होती नहीं है, बाकी कौन बचा? x स्क्वायर माइनस 2। आया है समझ में? अब डिवीजन करते, हमने सीखा जो सभी पहले टर्म को पहले टर्म से क्या कर लो भाई, डिवाइड कर लो। तो देखो, मैं साइड में कर रहा हूं, 2x रेस टू 4 दिया था, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे बच्चों? एक्स स्क्वायर से। यहां x कितने हैं? 2। यहां x कितने हैं? 4। तो यहां से 2 काट लो, और यहां से अगर 2 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 2।
तो ये जो आंसर आया है उसको आप कहां पर लिखोगे, कोसाइन के अंदर लिखोगे, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करवाओ इससे, 2x² × x² 2x^4। जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो एक्सपोनेंट का प्लस हो जाता है, तो 2 और 2 हमने कितने लिख लिए, 4। अब बच्चों 2, अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 0 = 0। यहां x कितनी बार है, 2 बार। यहां x कितनी बार है, 1 बार। तो कितनी बार हो गया, 3 बार, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस 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 ही रखो यहां पर, कोई चेंज नहीं करो, 2 × 2 = 4। x² यहां माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस, आई होप क्लियर, ठीक है। अब क्या करते थे, सबकी साइन बदल देते थे, अगर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गया। अब भाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 के साथ 0 प्लस करो 3 रहेगा ना, और लार्ज नंबर की साइन, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना, जो प्लस था माइनस था काट दिया। अब माइनस माइनस हमें करना है प्लस, लेकिन 3 के साथ हम क्या ऐड कर रहे, 0, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो 3 का 3 ही रहेगा, और 3 लार्ज नंबर था, उसे कौन सी साइन थी, माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो भाई 1x² बचेगा, लार्ज नंबर की साइन अब ये नहीं काउंट करनी है, हमें ये वाली साइन पॉइंट को काउंट करनी है। अब ऊपर से हम ला रहे हैं किसको, 6x, क्लियर। अब यहां पर पहला टर्म कौन बचा, ये वाला, यहां का पहला टर्म से इसको डिवाइड करवाओ साइड में कहीं, समझ में आ रहा है ना, कुछ करना नहीं है, जब ऐसा टर्म आ जाता है फिर इसके पहले टर्म को वापस उसी के पहले टर्म से डिवाइड करो, जो आंसर आता है क्वेश्चन में लिखो, मल्टीप्लाई करते जाओ, प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आंसर आएंगे। 3x² को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² से, तो x² कट गया, बचा क्या, -3, क्या बचा, माइनस, नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती कर ली मैंने यहाँ पर, ठीक है सॉरी। देखो यहाँ पर ये जो है ना एक्सपोनेंट 3 है, सॉरी, अरे बच्चों माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, 3 के साथ 0 किया तो 3 तो रहेगा, एक्सपोनेंट, अरे वेरिएबल कौन था, x³ था, है ना, तो यहाँ पर हमें ये जो टर्म है पहला वो -3x³ है, सॉरी, और नीचे जो है वो हमने क्या लिखा हुआ है, x², यहां से 2 कट गए, और यहां बेटा 3 था, तो अगर 2 कटे तो 1 तो बचेगा ना, तो आंसर आएगा -3x, क्लियर हो, गलती मैंने क्या करी थी, समझ में आ रहा है, हो सकता है आपसे भी गलती हो कि भाई फटाफट में हमने क्यूब के बदले में यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया, लेकिन मैंने जब यहाँ आंसर लिखा तब मुझे समझ में आया कि कहीं गलती कर दिया, तो चेक करो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x³ के टर्म में, क्लियर है। अब क्या करो, ये जो क्वेश्चन आया उसी को इससे मल्टीप्लाई, उसी को इससे मल्टीप्लाई, उसी को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3x × x², यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 3x हो जाएंगे, प्लस माइनस, और जो साइन का बहुत ध्यान रखना, अगर साइन में गलती करेगी तो 0 × 3 = 0x × x² प्लस माइनस, कुछ भी है, 0 के लिए क्या फर्क पड़ रहा है, 2 × 3 = 6x माइनस माइनस प्लस, अरे समझ में आ रहा है, माइनस था प्लस कर लो, माइनस था माइनस था प्लस कर लो, प्लस था माइनस कर लो, क्लियर है। यहां से देखो ये -3x³ है, ये +3x³ है, कट गया, +6x -6x कट गया, 1x² के साथ 0x² क्या, कुछ भी ऐड कर लो 0 के साथ तो वही रहेगा, तो 1x² का 1x² लार्ज नंबर की साइन, बोलो समझ में आया है। अब यहां से क्या बाकी बचा भाई, -2, क्या बाकी बचा, -2। देखो यहां से x वाला टर्म तो बिल्कुल ही कट गया है, अगर आपको देखो और एक चीज अगर करनी है तो क्या कर सकते हो, पर अगर ध्यान में रखना कि x वाला टर्म तो गया है। अब देखो ये पहला टर्म बचा, ये कब तक करते जाना है पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दो, ये इसकी जितनी एक्सपोनेंट है ना, पहला टर्म अगर उतनी एक्सपोनेंट तक का आ रहा है, देखो यहां पर 3 था तो 2 है तो करना है, 2 है, 2 है करना है, लेकिन जब इससे भी अगर छोटा एक्सपोनेंट यहां पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां 1x आया होता तो 2 है, बट अगर 1x आया होता तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 1, यहां कितनी है, 2, आगे आंसर होगा नहीं, ये बात ध्यान में रखना है। तो तब तक करते जाना है जब तक इसका एक्सपोनेंट और इसका एक्सपोनेंट
इक्वल तक आता है तब तक तो आपको करते ही जाना है। अब ये पहले टर्म को ये पहले टर्म से डिवाइड करवाओ, तो यहां है वन एक्स स्क्वायर, यहां है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दिया, बचा क्या बच्चों वन, प्लस की साइन थी तो यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस, क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे हमने अभी तक मल्टीप्लाई करवाते गए थे, वन को भी इससे करवाओ, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर, अब वन इंटू जीरो एक्स, जीरो एक्स हो जाएगा, और एक्स वाले टर्म को हमने वैसे ही काट लिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो एक्स की यहां पर कोई वैल्यू है नहीं, वैसे तो हमने जीरो एक्स को सिर्फ डिसेंडिंग टर्म में बनाने के लिए लिखा था, मुझे यहां जीरो एक्स लिखने की क्यों, वन इंटू जीरो एक्स कितना हो जाएगा जीरो एक्स, तो जीरो को लिखने की जरूरत, उसको छोड़ ही दो, वन टू जा टू, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। यहां प्लस है तो माइनस कर लो, और माइनस है तो प्लस कर लो, गया गया, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर आया है जीरो, रिमाइंडर आया है जीरो। और एक बात बता दो, क्या जब भी ऐसा सम आ जाए ध्यान में रखना, अगर ऐसा सम आता है तो जब भी डिवीजन कर रहे हो सकता है यहां पर कहीं पर भी आप गलती कर लो, ध्यान में रखना है, अगर जीरो दो जीरो दिए हैं और दो जीरो फाइंड करने वाला सम आता है तो ऑलवेज जब आप डिवीजन करोगे ना बच्चों, ऑलवेज रिमाइंडर क्या आना है, क्लियर क्लियर। अभी तक हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है। अब तुमको तो क्या फाइंड करना था, जीरो आंसर के नजदीक है, अभी आंसर आया नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है, जीरो। ये जो तुम्हारा कोसेंट आया है क्यू ऑफ एक्स, ये भी जो है इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर बन गया, क्या बन गया फैक्टर। अब आप क्या करो, इसका स्प्लिटिंग करो, क्या करवाओ स्प्लिटिंग, आता है ना स्प्लिटिंग तो आता है, ठीक है चलो, फैक्टराइजेशन करने के लिए, लेकिन यहां इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो यहां ऐसा नंबर लाना है जिसका मल्टीप्लीकेशन टू आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन थ्री आए। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, स्प्लिटिंग तो ठीक है, तो स्प्लिटिंग में नहीं करवा रहा हूं, और अगर वापस एक बार ध्यान दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाओ, टू वन जा कितना आ रहा है टू, वेरिएबल को भी छोड़ो, बीच में क्या दिया तुमको थ्री, ऐसा नंबर लाओ, दो ऐसे नंबर लाओ जिसका मल्टीप्लीकेशन टू आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए थ्री, तो देखो टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, तो एक नंबर हो गया टू और एक नंबर हो गया वन, क्लियर हो, अरे क्लियर हो कि नहीं, लेकिन आपको यहां पर कौन सी साइन पुट करनी है वो भी ध्यान रखना है, तो आप करोगे क्या, आप लिख लो अपनी मर्जी से, आपको अगर आता है तो लिख लो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहो, इसको चेक कर लो, जब इतना लिख लेते हो चेक कर लो, इसके आगे कौन सी साइन थी माइनस, इसके आगे कौन सी साइन थी माइनस, माइनस माइनस प्लस, टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, लार्ज नंबर की साइन करेक्ट। अब क्या कर लो, इस टर्म को ब्रैकेट में ले लो, माइनस ये जो टर्म बचा इसको भी ब्रैकेट में लिखो, लेकिन आगे कौन सी साइन थी माइनस, तो जब आप इसको ब्रैकेट में लिखते हो अंदर की साइन बदल जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबको तो पता ही होगा, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 2x, बचा क्या x माइनस वन, यहां से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, तो एक टर्म आ गया तुम्हारा x माइनस वन और एक टर्म तुम्हारा आ गया 2x, क्लियर हो, अरे क्लियर हो कि नहीं, तुमको फाइंड क्या करना है जीरो, तो जीरो फाइंड करने के लिए हमने स्टार्टिंग में ऐसे करते थे भाई, ये जो x माइनस वन है उसके बराबर जीरो पुट कर लो, ये 2x माइनस वन है उसके बराबर भी जीरो पुट कर लो, माइनस वन को इस तरफ लेके आ जाओ प्लस वन, माइनस वन को इस तरफ लेके जाओ प्लस वन, x के साथ टू मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में दो जीरो तुमको दिए थे रूट टू एंड माइनस रूट टू, दो जीरो आपको मिल गए, एक मिल गया वन और एक मिल गया वन बाय टू, तो अदर टू जीरोज आर वन एंड वन बाय टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत आईएमपी भी होते हैं और थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप ना कर पाओ, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा टफ लगेगा, लिख लो क्या किया सबको समझ में आया है, पहले जो जीरोस दिए थे उसके से हमने फैक्टर्स बनाए, अगर प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, उससे ये जो वैल्यू मिली उसी से इस वाले पॉलिनोमियल को हमने क्या किया डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो कोसेंट आया है उसका स्प्लिटिंग किया, स्प्लिटिंग करने पर जो आंसर आए हैं वो उसके जीरोस हो गए। आई होप ये समझ में आया होगा, फटाफट नोट कर लो।
तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो पहले क्वेश्चन है उसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चों। तो करना क्या है सर, वही पी ऑफ एक्स और वही जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। ध्यान थोड़ा ये रखना है वही कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है वो चेक करते रहना है। 3 2 1 0 यस यहां पर है, यहां पर नहीं है तो क्या करोगे आप, इसके बदले में क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद आता है 0x, उसके बाद आ जाएगा 2। तो देखो 2 1, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप कर सकते हो, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसी मेथड से जाओ। समझ में आता है कि नहीं, चलो तो मैं पूरा सम करके नहीं दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या वर्क रहेगा, होमवर्क। तो ये आप घर से सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बना के दे देता हूं, ठीक है। अगर नहीं आता है दो तीन बार जो हमने आगे सम्स करे हैं उसको एक बार होगा रिवाइज करो वापस, कैसे किया है, क्या मेथड यूज किया है, कहां कौन सी साइन लगानी है वो चेक करना, तो फिर तो इजी है, कुछ इतना टफ है नहीं। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप ही यू कैन, ठीक है। उसके बाद अब ये वाले क्वेश्चन में जरा पी ऑफ एक्स को चेक करो, यहां एक्स के ऊपर कितना दिया हुआ है डिग्री, अरे एक्सपोनेंट कितना दिया हुआ है 4, फिर जो टर्म आ रहा है उसके ऊपर एक्स के ऊपर कितना है 2, एक्स के ऊपर कितना है 1 एंड देन 0। तो यहां पर पी ऑफ एक्स में थोड़ी गड़बड़ी है, तो आप इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो लाइक कैसे, तो आपको यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है x^4 x^2, तो कौन सा टर्म नहीं दिया है, x^3 वाला टर्म नहीं दिया है, तो आप उसके आगे क्या लगा लो, 0 पर्टिकुलर लगाना जरूरी है, इसके आगे आप सिर्फ x³ लगाओगे रॉन्ग हो जाओगे, क्या लगाना है 0। पुट करो यहां पर x^4 प्लस, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सर यहां कौन सी साइन रखे, यहां पर प्लस ही रख दो क्योंकि 0 के आगे कोई भी साइन रखो इट डजंट मैटर। किससे डिवाइड कर रहे हो, अब जरा किससे डिवाइड कर रहे हो वो भी चेक करो, x^2 यहां आपको कांस्टेंट टर्म दे दिया है और यहां आपको दिया है x^1। हम क्या करते हैं 2 1 0, तो सबसे पहले 2 वाला टर्म कौन सा है तो x^2, फिर 1 वाला टर्म कौन सा है तो x, और फिर लास्ट में आपको कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम कहां रखते हैं पॉलिनोमियल में लास्ट में, तो x के ऊपर 2 था तो वो वाला टर्म हमने पहले लिख लिया, x^1 तो 2 के बाद 1 तो उसको हमने उसी के बाद में लिख लिया और प्लस उनको कहा भी। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे रीअरेंज भी करना पड़ेगा, तो ये भी आपके जहन में रखना, दिमाग में रखना, और अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, श्योर कर पाओगे कि नहीं। चलो मैं ये वाला सम फटाफट अपने फटाफट से मैं कर लेता हूं, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा x², इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे x^4, आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे -x^3, अरे इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे 1x² प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, खचाक प्लस प्लस प्लस, इस साइन को काउंट नहीं करना है, तो x³ को आप 0 से ऐड करो तो वही आंसर आएगा प्लस x³, इसके आगे प्लस साइन थी तो यहां पर प्लस साइन ही रहेगी, माइनस माइनस ध्यान देना बच्चों ये साइन अब नहीं ऐड करनी है, ये वाली साइन को कंसीडर नहीं करना है माइनस माइनस, क्योंकि देखो ये साइन को काउंट करने जाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमें ये वाले साइन को कंसीडर करना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4x² और लार्ज नंबर की साइन और ऊपर से लाओ हम क्या लाएंगे 4x, ठीक है एक टर्म को लेके आते हैं पहले। बच्चों ध्यान में रखना ये मैं फटाफट से कर रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा रिवर्स करके वापस उसको चलाओ, अगर एक बार वापस नहीं समझ में आया वापस रिवर्स करके चलाओ, दो तीन बार ऐसे समझने का ट्राई करोगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि यार एक बार देख लिया नहीं समझ में आया, उसको थोड़ा रिवर्स करके वापस चेक करो, दिमाग में क्लियर रखो, ठीक है। अब ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, यहां x के ऊपर 3 है, यहां x के ऊपर 2 है, तो जब इसका डिवीजन करोगे आगे प्लस साइन है, यहां प्लस हो जाएगा, और 3 में से अगर 2 कट गए तो 1x तो बचेगा कि नहीं बचेगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ x³, इसको इससे मल्टीप्लाई लिख लिया मैंने, माइनस प्लस माइनस कट गया, अब इस साइन को कंसिडर नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस 4x² में से अगर 1x² चला गया तो 3x², लार्ज नंबर की साइन कौन सी है माइनस, प्लस माइनस माइनस करना है 4 - 1 3x लार्ज नंबर की, ऊपर से किसको लाओ 5 को, अब यहां पर x² वाला टर्म है पहला टर्म, इसको आप इससे डिवाइड करोगे, देखो आगे कौन सी साइन है माइनस, तो यहां पर लगेगी माइनस साइन, ये चीज
इसीलिए बोल रहा हूं साइन में कहीं मिस्टेक मत करना, ये माइनस साइन ही यहां पर लगेगी। अब इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो बचा माइनस थ्री, क्लियर है। तो यहां आंसर बनेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, माइनस था वो हो गया प्लस तो ये कट, प्लस था वो माइनस हो गया तो ये कट, प्लस माइनस और यहां पर भी प्लस हो जाएगा तो प्लस 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 और फाइव प्लस थ्री एट, ये हो गया आपका आंसर। आपको अगर वो फॉर्म में लिखना है, अगर बोला है तो आपको लिखना है, क्लियर है। यहां पी ऑफ एक्स के बदले में आप ये वाला टर्म लिखोगे, जी ऑफ एक्स जिससे डिवाइड कर रहे हो इनटू मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, आपका क्या आया ये आया, तो वहां पर आप लिखोगे प्लस रिमाइंडर कितना बचा आठ, क्लियर है ठीक। अब ये वाला टर्म क्वेश्चन टफ नहीं है, है तो इजी ही, लेकिन एक्स रेस टू चार के बाद एक्स रेस टू सीधा कहां पर आ गए वन पे, मतलब एक्स रेस टू थ्री भी नहीं लिया, एक्स रेस टू टू भी नहीं लिया। चलो ध्यान दो, तो हम लिख लेते हैं जीरो एक्स रेस टू फोर, जीरो एक्स रेस टू तीन, जीरो एक्स रेस टू दो, माइनस पांच एक्स प्लस छ, क्लियर है। किससे डिवाइड कर रहे हो? अब जरा ये भी देखना, थोड़ा यहां पर भी आपको लोचा लफंगा वाला केस दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है पीछे, टू है आगे, और एक्स स्क्वायर के आगे साइन भी कौन सी है माइनस, जरा देखना क्या करोगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, कौन सी साइन है उसके आगे माइनस, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म के बाद सीधा कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है, मतलब जीरो वाला टर्म आ रहा है, बीच में एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे प्लस जीरो एक्स, आई होप समझ में आ रहा है ठीक है। अब बचा क्या माइनस टू, अरे सॉरी टू के आगे कौन सी साइन है प्लस, तो यहां पर आप क्या करोगे प्लस, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन थी, माइनस पुट करी, जीरो एक्स कुछ कर लो, उसके आगे कोई भी साइन रखो कोई मैटर नहीं करता, और टू के आगे कोई साइन नहीं थी मतलब यहां पर था प्लस, एक्स स्क्वायर दिया था पीछे लेकिन मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया आगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रख रहे थे, तो देखो अब टू आ गया, यहां कुछ नहीं है तो वन आ गया एंड देन जीरो, क्लियर है क्लियर है। और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब इसको आप आगे अगर एक्स स्क्वायर को प्लस करना है तब भी कर सकते हो, अगर माइनस रखना है तब भी रख सकते हो, तो यहां हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस टू, ठीक है। ठीक है, इसको सीधा डिवाइड करो इससे इसके, अब जरा डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों के अंदर, एक्स रेस टू फोर को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो। अब पता है इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया था एक्स रेस टू फोर माइनस माइनस प्लस एक्स रेस टू फोर, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओ, जीरो है वन है कोई भी, मतलब कोई भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करवाओगे जीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है जीरो के आगे तो आप प्लस भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है माइनस कर दो माइनस है प्लस कर दो और माइनस है, इसको भी क्या कर लो प्लस कट गया, अरे भाई जीरो को जीरो से एड करो जीरो ही बन जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर हो। प्लस 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 टू को जीरो से प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से हम लेके आ रहे हैं माइनस फाइव एक्स, क्लियर हो बच्चों? अरे बच्चों क्लियर है ना। अब यहां पर पहले टर्म कौन सा है जीरो एक्स क्यूब, अरे जीरो एक्स क्यूब को क्या कर लो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, जरा साइड में मैं कर रहा हूं जरा ध्यान देना, पहला टर्म यहां पर जीरो एक्स क्यूब है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म से, जीरो को तुम किसी टर्म से डिवाइड कर लो आंसर जीरो ही आएगा, जीरो को तुम किसी भी टर्म से डिवाइड कर लो आंसर जीरो ही आएगा, यहां एक्स दो बार थे यहां तीन बार थे तो आंसर क्या बचेगा जीरो एक्स, क्या बचेगा जीरो एक्स, एक प्लस था एक माइनस था, प्लस माइनस माइनस लगाओ अभी या प्लस लगाओ जीरो के साथ कोई मैटर नहीं करता, क्लियर है। अब जीरो को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो जीरो एक्स क्यूब, जीरो को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो जीरो एक्स, ठीक है साइन साइन साइन
माइनस माइनस प्लस रख लो, प्लस माइनस माइनस रख लो, जीरो को इससे भी मल्टीप्लाई करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रिवर्स करो, चेक करो, रिवर्स करो, चेक करो, बाकी तो कोई इसमें है नहीं, प्रैक्टिस जितने करोगे क्लियर होते जाओगे। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो यहां पर भी प्लस कर लो, प्लस प्लस प्लस, टू प्लस जीरो टू, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस माइनस, अब पांच के साथ जीरो कुछ भी कर लो, फाइव एक्स ही रहेगा, क्लियर हो? ऊपर से आएगा प्लस, यहां पहला टर्म कौन सा बन रहा है बच्चों, टू एक्स स्क्वायर, किससे डिवाइड कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर से। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर कट गया, टू एक्स स्क्वायर को अगर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर से काट लिया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया तो टू बचा, प्लस माइनस माइनस टू बच गए। बोलो क्लियर हो? अरे बोलो क्लियर हो कि नहीं हो? चलो अब टू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो एक्स प्लस माइनस माइनस, डजंट मैटर, टू को टू से मल्टीप्लाई करवाओ, फोर प्लस माइनस माइनस, अरे माइनस, अरे प्लस, प्लस, ये हो गया कट, प्लस माइनस माइनस, लेकिन फाइव एक्स जो है उसके साथ जीरो का कुछ होगा नहीं, लार्ज नंबर की साइन, और यहां पर बचेगा प्लस 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 सिक्स प्लस फोर टेन। आप बोलोगे सर कहीं पर हमको आंसर दिया हुआ है ऐसा पीछे क्वेश्चन फाइव एक्स माइनस टेन, बच्चों फाइव एक्स माइनस टेन लो या माइनस फाइव एक्स प्लस टेन लो, एक ही चीज है, क्यों? क्योंकि आपने किया क्या, इसकी माइनस साइन को हटाया, फाइव एक्स आंसर कब आएगा, इसकी ऑपोजिट साइन, माइनस फाइव एक्स की ऑपोजिट साइन क्या हो गया, फाइव एक्स, यहां तो कौन सी साइन थी, प्लस टेन, हमारे आंसर में कौन सी साइन थी, प्लस टेन, तो यहां उसी की ऑपोजिट साइन आपने क्या रख दी, माइनस। हो सकता है आपके क्वेश्चन रिमाइंडर के अंदर ये आंसर दिया हो, वो आंसर और ये आंसर दोनों एक ही आंसर है, वहां पर उन लोगों ने क्या किया होगा, यहां माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में प्लस एक्स स्क्वायर रखा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहेगा, माइनस, मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर ही रखा था, इसलिए मेरा आंसर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन आ रहा है, कहीं पर वो आंसर हो सकता है फाइव एक्स माइनस टेन दिया हो, दोनों सेम आंसर है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, जितना रिवीजन करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसके बारे में क्लियर होगे, ठीक है? अगर ऐसा मानोगे कि चलो लिख लिया, नोट बना ली, सर ने समझाया, समझ में आ गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब सम करने जाओगे नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहना।